नमस्कार। सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों के साथ। आज सवालों के कटघरे में मौजूद हैं कांग्रेस विधायक तुलसीराम सिलावट। सिलावट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत में। धन्यवाद। तुलसी सिलावट एक ऐसा नाम जो न केवल मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक दिग्गज श्रेणी में पुकारा जाता है, बल्कि राजनीति की तासीर को बहुत ही नजदीक से तुलसी सिलावट इस नाम ने देखा है और लगातार राजनीतिक अनुभव के चलते वो तमाम सियासी हवाओं का रुख पढ़ने में बेहद ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। फिलहाल मिशन 2013 पर हम उनसे बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार की कमान जरूर सौंपी है, लेकिन इसका कितना असर पार्टी को इस आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। विधायक जी, सबसे पहला सवाल लाजमी है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास सिपे सलाहकार आप माने जाते हैं और तुलसी सिलावट ये सिंधिया राजघराने से जुड़ा एक ऐसा नाम है जो न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जिस तरह से सिंधिया जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप इसको किस नजरिए में देखते हैं? पहली बात तो मैं सलाहकार नहीं हूं। जी जी जी, मैं उनका पारिवारिक सदस्य हूं। जी, और जो जिम्मेदारी बाकी मध्य प्रदेश की, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी ने जो दी है, जी, ये एक चुनौती है और चुनौती ज्योतिराय सिंधिया जी ने स्वीकार की है। बिल्कुल। और ज्योतिराय सिंधिया जी किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। जहां तक आपने बोला कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना की प्रफुल्लित हुई है, हर कार्यकर्ता में एक उत्साह आया है और ये मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक मध्य प्रदेश में एक इनके बनने से और सबके जो एक सामूहिक प्रयास, सबको अलग अलग समितियों में लिया है, सब मिलकर जो एक मध्य प्रदेश में एक बोलते हैं कि हम जो हर मोर्चे पे विफल रही है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने ज्योतिराय सिंधिया जी को जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस जिम्मेदारी को एक चुनौती के रूप में वो स्वीकार करेंगे, एक विश्वास के साथ, एक संघर्ष के साथ, एक नए विश्वास के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस चुनौती को वो जो भावना लेकर, जो उद्देश्य लेकर, जो लक्ष्य लेकर सोनिया जी ने उन्हें दिया, वो उसको उस लक्ष्य और उद्देश्य को पहुंचने का प्रयास वो करेंगे। क्या लगता है सिलावट जी, सिंधिया जी के नाम का ऐलान होते होते काफी देर नहीं हो गई? आपको लगता है मिशन 2013 बेहद नजदीक है, नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत कम समय अब बाकी रह गया है कांग्रेस पार्टी के पास, और खासतौर पर जब पार्टी यानी कि राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका में हो तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है? देखो, मैंने कहा कि चुनौती पहले मिले या बाद में, वो चुनौती होती है, और इसमें आगे मिले या पीछे मिले, इस चुनौती का सामने हमें करना है। हम 10 वर्षों से विपक्ष में हैं और हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है कि इनकी जितनी भी कमजोरियां हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा था आपसे पूर्व में भी, हर मोर्चे पे विफल रही है, हमारी अपनी ये जिम्मेदारी होगी, हमारे अपने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया जी की इनकी आज सफलताओं को आम जनता तक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उस आवाज को उठाने का प्रयास वो करेंगे। यूथ वोट बैंक की अगर हम बात करें, युवाओं को कितना जो है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आकर्षण का विषय बनेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो मध्य प्रदेश में निर्णायक भूमिका में युवा वोट बैंक नजर आ रहा है, उसमें क्या लगता है सिंधिया जी सेंधमारी कर पाएंगे? आप जानते हैं कल के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अपने आप लोग, आम व्यक्ति ये चर्चा करने लग गया कि एक संघर्षपूर्ण मुकाबला हो गया, जबकि अभी हमको मान लीजिए अभी 2 दिन और बीत जाने दो। जिस प्रकार से तरुण लोगों की नई ऊर्जा की आपने बात की, मैं भी मानता हूं कि इनके आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन युवाओं में, हमारी चाहे युवक हो चाहे युक्ति हो, और मैं सोचता हूं कि इनसे ज्यादा सभी वर्गों में, क्योंकि एक नाम ज्योतिराज सिंधिया जी का विकास और प्रगति और उन्नति के लिए लिया जाता है, चाहे उनको जब जब भी सिंधिया परिवार को, चाहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को जिम्मेदारी मिली हो देश की, इन्हें भी आज देश की ऊर्जा जैसा विभाग बात महत्वपूर्ण विभाग इन्हें मिला है, और इनका प्रयास मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए हमेशा ये जाने जाते हैं। जहाँ से सांसद हो या ना हो, भाई इनकी संसदीय सीट गुना शिवपुरी है, पर जैसे मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, उन्नति की बात हो, प्रगति की बात हो, इंदौर की बात हो, वो कभी भी विकास में कहीं भी बड़ा दायरा लेकर समग्र विकास की बात करते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि एक जिस दिन से कल्स के बाद एक
नई ऊर्जा आई है और मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के समझने लग गया है कि भाजपा की कोई चुनौती अब है तो ये ज्योतिराज सिंधिया है। और ज्योतिराज सिंधिया वो नाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होगा, एक नई विकास और प्रगति का एक नया विश्वास कल से जागृत हुआ है मध्य प्रदेश की जनता के बीच में। बहरहाल यहाँ पर ये बदले राजनीतिक समीकरण है जो सियासी हवाओं का रुख भी बदल देते हैं और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की चाल चरित्र और चेहरे के बूते पर सियासत की नई कहानी एक बार फिर हो सकता है शुरू हो। और कांग्रेस पार्टी को जरूर यहाँ पर उम्मीद है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भरने का काम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सिलावट जी, आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें, सांवेर विधानसभा से आपको जनता ने चुना है और अब आपका लगभग रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है। मिशन 2013 में आप फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। 5 साल जो आप जनता के बीच 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहे, आपकी उपलब्धता पूरी विधानसभा में चर्चाओं में रहती है, ना केवल विधानसभा बल्कि संसदीय क्षेत्र में भी आपका नाम जो है अपनी उपलब्धता के लिए सुर्खियों में हमेशा बना रहता है। जनता के बीच आप रहे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे, उनकी तमाम समस्याओं को निराकरण तक पहुंचाया, क्या लगता है कितने विकास के काम आप करा पाए और कौन कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अब भी अधूरे हैं? मैंने आप जानते हैं जी कि जब मैंने इस राजनीति में प्रवेश किया था उस समय मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य और मेरा संकल्प था। और वो उद्देश्य, वो लक्ष्य और संकल्प यह था कि जिस व्यक्ति ने मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उनकी सेवा पर, उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरूं। मेरा माध्यम है राजनीति करना नहीं, मेरा माध्यम है सेवा करना। और चुनौतियां आप जानते हो, जब विपक्ष में हो तो सारी चुनौतियां बड़ी लगती है, पर हमारा संकल्प और विश्वास अटल हो तो इस चुनौतियों को हम पार करते हुए भी हमारे सांवेर विधानसभा में विकास और प्रगति की जो धाराएं हैं, आप जानते हैं सबसे पहला विकास शिक्षा जी। शिक्षा बहुत बड़ी बुनियाद होती है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, फिर सड़क। इन तीनों के अंदर मैंने जितनी सफलता अर्जित करनी थी वो करने का प्रयास किया। कि जैसे एक उदाहरण के लिए केंद्र में ज्योतिराज सिंधिया जी ने भरपूर आशीष दिया, उनके प्रभाव का सारा उपयोग मैंने किया। प्रधानमंत्री सड़क में केंद्रीय मंत्री जय रमेश जी के, उनके नेतृत्व में कई बार मिला, कई सड़कें 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 सड़कों का हमें प्रधानमंत्री सड़क के अंदर हमको स्वीकृति मिली। आज भी पर दुख की बात ही कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार उस सड़कों को जो टेंडर होते हैं वो आज भी टेंडर में ढिलाई कर रही है। इसके पीछे उनका ये उद्देश्य है कि सड़क नहीं बने और जो सड़क स्वीकृत होके आई है, और मैं सोचता हूं सड़क नहीं बनने में दोष मध्य प्रदेश सरकार को जाएगा, क्योंकि मैं भी ये प्रयास करूंगा कि सड़क में ढिलाई, सड़क बनाने के अंदर जो टेंडर आना चाहिए, समय पे इनको टेंडर बुलाना चाहिए, वो नहीं बुला रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की हमने सांवेर में कई बहुत बड़ा अस्पताल आप जानते हो उसको विकास और प्रगति के लिए, मैंने जब मैं 1985 के अंदर पहली बार MLA बना था तो उस समय इसकी बुनियाद रखी थी। और आप जानते हो इसी प्रकार से मैंने कहा था शिक्षा, शिक्षा समाज में परिवर्तन की बुनियाद होती है और नया सोच शिक्षा देती है। जब मैं 87 के अंदर मैंने सांवेर में महाविद्यालय की बुनियाद रखी थी, जब हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी थे, उस समय मैंने सांवेर में कॉलेज की घोषणा कराई तो कला और वाणिज्य वर्षों से चल रहे थे। उसके बाद बीच में कई समय के लिए मैं उस विधानसभा से अलग भी हुआ जी। पर कला और वाणिज्य से आगे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के निरंतर केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, पर उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया जो आने वाला तरुण था, आने वाले हमारे बेटे और बेटियां थी उनको, हमको BSc मिले विज्ञान, मतलब BSc विज्ञान, वो सब एक साइंस कॉलेज में BSc मतलब प्रथम BSc का प्रथम, विज्ञान का प्रथम वर्ष, MA काम की बात अभी मैंने इसी सत्र से संघर्ष करके प्रारंभ की। और आप जानते हो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश का मुखिया सांवेर की विधानसभा के लिए बोले कि मैं सिटी बस चलाऊंगा, पर दुख के साथ मैं कह सकता हूं कि जब मध्य प्रदेश के बड़ा मुखिया कोई होता नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सांवेर को हम सिटी बस की सौगात देंगे, मैं निरंतर मैंने सांवेर भी बंद किया, आपको कई जगह 24 घंटे आंदोलन पे बैठा और मैंने बारौली के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं, मुझे दुख है। राजनीतिक भेदभाव हो रहा है सांवेर विधानसभा के साथ, ये तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि जहां जहां भी कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि इन अपने अपने क्षेत्रों में
किस प्रकार से भी हम विकास के लिए संघर्ष करें, और उनके लिए संघर्ष हम जब करते हैं तो हमको सफलता भी मिलती है। और मैं सोचता हूं कि सांवेर का विकास और प्रगति चाहे किसी की भी सरकार हो वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा सजग, उनके दुख में उनके सुख में सांवेर के 24 घंटे तैयार रहना। इसलिए मुझे सफलता कम मिले, समय अवधि में नहीं मिले, समय ज़्यादा लगता है, पर सफलता अंत में जाकर मिलती है। और सबसे बड़ी सफलता मेरी सांवेर के उनका विश्वास मैंने अर्जित किया है, उनकी सेवाएं की हैं, उनके दुख में और सुख में हमेशा मैं तत्पर रहता हूं। ये कोई तुलसी सिलावट कोई उन पे मैं सोचता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, और मैं उनके सुख दुख में उनके बरोबरी का साझेदारी करने का प्रयास करता हूँ। आपकी विधानसभा ग्रामीण विधानसभाओं की श्रेणी में आती है, खेती जो है मुख्य आय का जरिया है किसान परिवारों के लिए। ऐसे में किसानों के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार यूं तो कई योजनाओं का बखान करती है, लेकिन सही मायनों में क्या वाकई में सांवेर में किसानों को लाभ मिल पाया है शिवराज सरकार की योजनाओं का? कई बार ऋण माफी के प्रकरणों की घोषणा जरूर होती है, खेती खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है तो मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन क्या सही मायनों में इसका क्रियान्वयन हो पाता है? या अभी आप जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश का नेतृत्व एक किसान का बेटा करे, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं मैं सेवक हूँ मध्य प्रदेश का, पर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जब देश के अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात करें, धोखा करें, अन्याय करें, उसको कभी कोई हम जनता किसान माफ नहीं करेगा। इन्होंने ये कहा था कि जब मैं दूसरी बार मध्य प्रदेश की बागडोर संभालूंगा तो मध्य प्रदेश के किसानों का 50,000 का ऋण माफ करूंगा। अब 2 महीने बाद चुनाव है, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, उन्होंने 50,000 रुपये की ऋण की बात यहाँ तक सदन के अंदर कहा कि मैंने कोई घोषणा नहीं की। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये आपने कहा था कि ये घोषणा की थी उन्होंने, उन्होंने कहा था कि जितनी बिजली उतना दाम, बिजली की दर नहीं बढ़ाऊंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा, बिजली कटौती मध्य प्रदेश से समाप्त कर दूंगा, ट्रांसफार्मर 3 दिन में लग जाएंगे। पर आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के साथ जब से देश आज़ाद हुआ कम से कम लाखों किसानों को जेल हथकड़ी डालकर भेजा गया, और ये मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश जहाँ किसान का बेटा नेतृत्व करे उसी के मध्य प्रदेश के नेतृत्व में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की, और उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य कृषि मंत्री बोलता है ये किसान जो आत्महत्या की अपने पापों का दंड है। मैं तो उस दिन भी मुख्यमंत्री से मैंने सदन में भी कहा था कि ऐसे ऐसे कृषि मंत्री को तुरंत अपने पद से हटा देना चाहिए। ये एक उदाहरण दिया, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान हीरो और ब्याज जीरो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है उन्होंने घोषणा की थी कि 20 अप्रैल तक जो किसानों ने बैंकों से जो ऋण लिया था 0% पर वो 20 अप्रैल तक जमा कराना है, पर सरकार है, सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी डोंडी प्रजाति प्रत्येक गांव में, चाहे सांवेर के गांव में हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी के गांव, चाहे जबलपुर का हो, चाहे हमारे नरसिंहपुर का हो या भोपाल का हो, उन्होंने डोंडी बटवाई 20 अप्रैल को नहीं, आपको 15 मार्च को जो आपने पैसा लिया है वो जमा करना पड़ेगा, नहीं तो 15.5% का ब्याज और दंड ब्याज लगेगा। इतना बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान उन किसानों को एक तरफ आप बोलो कि हमने दिया, मैंने पूरी सोसाइटी का दिया तो उसमें से लगा कि कम से कम 60% लोगों ने जमा किया, बाकी किसानों को 15.5% का ब्याज लगा। ये आपको देखो, उसके बाद फिर एक बड़ी घटना और सुनाता हूँ आपको। इसके बाद किसानों को खाद चाहिए, 285 की खाद की बोरी पूरे मध्य प्रदेश में काला बाजारी में 500 से 600 से। पर दुख की बात है, मैंने सदन के अंदर भी कहा कि आपने किसी भी एक के काला बाजारी को मीसा में बंद नहीं किया, एक को जेल में नहीं भेजा, और जो किसान समय पे पैसा नहीं भरता है उसको आपने हजारों किसानों के वारंट निकाल दिए, कई किसानों के विजिलेंस के माध्यम से सतर्कता विभाग द्वारा उनको जेल भेज दिया। ये इनकी भाजपा का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा है, और चरित्र के संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप जिनके उनके मंत्रिमंडल में 9.5 साल तक जिसने वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाला हो, चरित्र उनके सामने। एक तरफ बेटी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश में बेटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राघव जैसे जी भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिया है, ऐसी ऐसी चरित्र की पार्टी को क्या कहूँ मैं, कुछ कहना नहीं चाहता। बहरहाल यहाँ पर ये लंबा राजनीतिक अनुभव है और ये तीखा कटाक्ष है कांग्रेस विधायक तुलसी सिलावट की ओर से, जो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर तीखा प्रहार करता है। आगे बढ़ते हैं,
विधायक जी, आपका 24 घंटा कैसे बीतता है? जनता हमेशा जो है ये जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है कि उनके जो एमएलए हैं, उनके जो विधायक हैं, वो किस तरह से सुबह से जनता की सेवा के लिए निकलते हैं और किस तरह से उनकी रात होती है। 24 घंटा कैसा बीतता है विधायक तुलसीराम सिलावट? मैं निवेदन आपसे करता हूँ आपके माध्यम से जी, कि 24 घंटे आप मेरे साथ रहो जी, कि मेरी दिनचर्या सुबह कब प्रारंभ होती है और रात को कब समाप्त होती है, मतलब जनता की सेवा से शुरुआत होती है और जनता की सेवा में समाप्त होती है। और मैं सोचता हूँ ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ये मेरा एक संकल्प भी है और ये सेवा जो करने का मैंने संकल्प है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो जिम्मेदारी सामर की जनता ने मुझे दी है वो दी है उनके दुख में, उनके सुख में, विकास और प्रगति में मैं उनके 24 घंटे खड़ा रहूँ, तो मैं प्रयास रखता हूँ। आप जानते हैं पिछले समय पूरे पाला पड़ा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पिछले 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी सावेर के प्रवास पे आए थे, मैंने उनके सामने उनके मंच में कहा था, मैंने कि इस किसान के बेटे से मेरा अनुरोध है कि सावेर में पाला पड़ा, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, पर दुख की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे सावेर तहसील में 256 गांव आते हैं मात्र 1,06,300 रुपये स्वीकृत किए और 48 किसानों को, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी एक किसान को 2,000 रुपये आ रहे हैं और आपने कहा कि मैंने पूरा खजाना खोल के रखा है, करोड़ों का नुकसान हो और लाखों रुपए दे रहे हैं, ये मैंने उनके सामने किया। जब हम पाला पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, ठंड पड़ती है, तो मैं खेत दौरे पर जाता हूँ, जब सर्वे की बात आती है तो पिछले बार भी इन्होंने जब पाला पड़ा था, अतिवृष्टि होने हुए थे, उसमें भी एक भी पैसा नहीं दिया था सावेर को। मुख्यमंत्री जी, जब आप ग्रामीण अंचलों का दौरा करते हैं, अगर अभी हम वर्तमान में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा का नजारा देखें तो हजारों की संख्या में हुजूम जो है उनकी एक रथ के सामने आकर खड़ा हो जाता है, किसान आते हैं, गरीब परिवार आता है और कई आदिवासी अंचलों में भी ऐसे ही नजारे देखने को मिले, तो इसको आप किस हद तक किस नजर से देखते हैं? जानते हैं जन संघ यात्रा हो रही है संपूर्ण रूप से शासकीय यात्रा है, एक छोटे अधिकारी से लेकर बड़ा अधिकारी पूरी संकल्प के साथ, तत्परता के साथ, कर्मठता के साथ उसको ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि भीड़ करो। पर जितना आप जानते हो गांव में बिजली की स्थिति क्या है, आप बोलते हो सिंचाई की बिजली मात्र 6 घंटे हो रही है और आप बोलते हो कि हम 12 घंटे देंगे, 18 घंटे देंगे, आप चलो और 6 घंटे भी किस्तों में, और जो अभी आपने जो 24 घंटे की बात की, अटल ज्योति की बात, ये अटक ज्योति है, जो अटकती है ना, एक तो मैं कहता हूँ अटल ज्योति नहीं, अटक ज्योति, अटक ज्योति है। और मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से रखी है उसके साथ तो न्याय करो। आम जनता को जो बिजली देने की बात करती है, आज मैं आपको आपको माध्यम से उन्हें पूरी सरकार को चुनौती देता हूँ, मेरे साथ चलें, किसी भी गाँव में चलें, जब भी 24 घंटे पूरी बिजली मिल जाएगी या तो तुलसी सिलावट आए जी छोड़ दे या तो फिर वो अपने पद से छोड़ दें, मैं पूरी चुनौती उनको देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कहीं ना कहीं ऊर्जा से जुड़ा था, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष था, तो बिजली में थोड़ी थोड़ी जानकारी मुझे भी रखता हूँ, इसलिए कि बिजली के संबंध में इन्होंने पूरा पूरा किसानों को धोखा दिया, आम जनता को धोखा दिया और अभी भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जमाने में जितने प्रकरण बने, जितने वारंट निकले, मैं सोचता हूँ मेरे जीवन की राजनीति में मैंने कभी भी ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। कुल मिलाकर ऊर्जा मंत्री के सारथी ने भी यहाँ पर बयां किया है कि मध्य प्रदेश में आखिर बिजली खपत और किस तरह से बिजली उत्पादन को लेकर सच्चाई है और जिस तरह से ऊर्जा को लेकर उनका दर्द साफ तौर पर झलकता है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं शिवराज सरकार के कानों पर जू जरूर रेंगेंगी और वो सरकार जो लगातार स्वर्णिम मध्य प्रदेश का दावा करती है वो सही मायनों में किसान तक, किस खुद तक बिजली पहुंचा पा रही है, इसका भी कहीं ना कहीं उदाहरण सामने आएगा। विधायक जी, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा, लगातार मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्राएं जो है अब अपने चरम पर है, ये यात्रा सावेर से भी गुजरेगी तो उस दरमियान क्या नजारा होगा, आपको लगता है किस तरह की उम्मीद होगी, क्योंकि जब पिछला दौरा मुख्यमंत्री जी सावेर में करके, आपको पता है जी अब क्या होने वाला है जन आशीर्वाद यात्रा? पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी सरकार लगी, मैंने आपने कहा था ना, एक छोटे अधिकारी लेके बड़ा अधिकारी, जब सरकार का कोई यात्रा हो तो उसमें सफलता मिलती है और आचार संहिता लगने के बाद मैं देखता हूँ कितनी यात्रा होती है और मैं कहता हूँ ये यात्रा शासकीय है पूरी, हम चाहे आंगनवाड़ी को ले लें, शिक्षक को ले लें, पटवारी को निर्देश देते हैं, सचिव को निर्देश देते हैं, महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश देते हैं, पर मैं आज फिर कह रहा हूँ ग्रामीण अंचल में इनकी दुर्दशा होने वाली है, मतलब कांग्रेस ग्रामीण स्तर पर मजबूत है, मैं आपको कह रहा हूँ मजबूत नहीं बहुत मजबूत है, क्योंकि अब एक सोनिया जी ने ऊर्जावान व्यक्ति को जिसके पास देश का ऊर्जा डिपार्टमेंट हो वो ऐसी ऊर्जा देगा, आपने मालूम है कि ज्योतिराय सिंधिया जी के आने के बाद, मतलब सिंधिया का करंट दौड़ेगा कहीं ना कहीं, वो तो अभी आपको 3 दिन बाद दिखेगा कैसे दौड़ता है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी कल से
इनकी नींद हराम हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक साफ सुथरा चेहरा जो मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करे कि जो व्यक्ति बोलेगा वो करेगा, क्योंकि दोहरा चरित्र उस व्यक्ति का नहीं है। वो ज्योतिराय सिंधिया उस परिवार से निकल के आया जिसने हमेशा विकास और प्रगति के लिए संघर्ष किया है। आपको कितना फायदा मिलेगा सांवेर विधानसभा में, आपको कितना फायदा मिलेगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे प्रचार समिति? सिलावट उनके परिवार का सदस्य है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करो, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सांवेर, जब पूरे मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, सांवेर अछूता किसे रह सकता है? क्योंकि जब आपका उपचुनाव था, जब उपचुनाव था तो मुझे याद आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो जिम्मेदारी, जो बागडोर संभाली थी, वो आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता शायद नहीं भूले हैं। उनका एक तूफानी दौरा या उनकी एक घोषणा की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था उपचुनाव के अंदर कि मैं एक रेल चला के चंद्रावतीगंज की दूंगा, जो बंद हो गई थी उन्होंने चला के, जिसे सिलावट गाड़ी के नाम से भी कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं एक मॉडल स्कूल दूंगा, दिया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की सड़कें सांवेर में ला के दूंगा, दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य अस्पताल पिड़वाए में आप थे वहाँ, दिया। मैं सोचता हूँ कि ज्योतिराय सिंधिया जी सांवेर के लिए उनका दिल का रिश्ता है, और आप जानते हैं जहाँ दिल का रिश्ता हो वहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं। आदमी सोता देता है, सोता समय देंगे, और वो तूफानी दौरा पहले भी था, अभी था, और भविष्य में भी होगा। 2013 के अंदर भी उनका दौरा सांवेर के लिए निरंतर, अभी आप जानते हैं स्वर्गीय मंडलू जी की प्रतिमा के अनावरण में आए थे, वो भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, और सांवेर के लिए उनका प्रेम, उनका आशीष हमेशा मिलता रहेगा जी। और वो हमेशा हमें सचेत करते रहते हैं। कल भी मैं परसों उज्जैन था, अभी उन्होंने कहा था कि अपने क्षेत्र में जाओ, जहाँ मेरी आवश्यकता पड़े ज्योतिराय सिंधिया जी की, जिससे भी बात करना है, पर सांवेर की अन्नदाताओं को कोई तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। चट्टान की तरह ज्योतिराय सिंधिया तुलसी सिलावट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा, ये मुझे आश्वस्त किया। सिलावट जी, एक सवाल और आता है, जब विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी तय ना हो पाए या कोई ऐसा मजबूत चेहरा ना दिखाई दे, तो ऐसे में कितना फायदा होता है? जानते हो, मैं भ्रम में नहीं जीता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव उम्मीदवार महत्वपूर्ण ही रहता है, हाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और वो एकजुटता से लड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। चुनौती मैं स्वीकार करूंगा ये चुनाव। लेकिन विपक्षी दल ने अच्छे से अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतार कर देखा, लेकिन मैं तो बहुत गंभीरता से लेता हूँ, वे चुनाव चुनाव के हिसाब से लड़ूंगा। मैं कभी नहीं मानता कि कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, पूरी सरकार लड़ेगी। मुझे तो सरकार से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, ना कि उम्मीदवार से लड़ना है। अगर हम बात करें तो सोनकर परिवार से भी एक नाम आने की उम्मीदें हैं, और भी संगठन से कई नाम। भाभी खुद आई थी, निशा सोनकर जी थी, प्रकाश जी के सामने चुनाव, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सोनकर जी का भी नाम आए ना, उसमें कोई दिक्कत? चुनाव तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा ना, भारतीय जनता पार्टी का क्या? सावन जी, सोनकर आए, या कोई भी आए, निशा भाभी आए, या राजेश जी आए, मतलब उनके उसमें 15 नाम है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, पूरी सरकार लड़ेगी, उनकी सबकी मतलब एकजुटता के साथ लड़ती है। प्रत्याशी कोई भी हो, चुनौती आपको स्वीकार? चुनौती स्वीकार करूंगा मैं, और चुनौती के साथ लड़ूंगा, और गंभीरता के साथ लूंगा मैं। कभी ये नहीं मानता कि कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, मेरी अपनी ये मान्यता है। बहरहाल ये यहाँ पर तुलसी सिलावट जी का राजनीतिक बड़प्पन है कि वो प्रत्याशी चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं और मैदान में डटे हैं और डटे रहने वाले हैं। सांवेर क्षेत्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि अगर सांवेर क्षेत्र की जनता आपको चुने तो आप उनके लिए अब आगे आने वाले 5 सालों में क्या क्या करके दिखाएंगे, और लगातार जिस तरह से केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ सांवेर विधानसभा तक लाए, आगे किस तरह से आप काम करने वाले हैं सांवेर? आप जानते हैं कि सबसे पहले हमको सड़क, पानी, बिजली और यातायात के साधन मुहैया कराना है, और स्वास्थ्य, और बहुत सारी चुनौतियां भी मेरे सामने हैं। मैं उसमें से प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करूंगा कि मुझे पहले क्या करना है। एक सांवेर ऐसी विधानसभा है जहां पर मतलब बहुत फैली हुई है, दायरा बड़ा है। मुझे जहां तक जानकारी है, इंदौर की कई टाउनशिप्स बड़ी-बड़ी आई हैं। शहर और ग्रामीण की राजनीति में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारी चुनौतियां मुझे अभी पूरी करनी है, बहुत सारे सपने मुझे पूरे करने हैं, बहुत सारे अधूरे काम मुझे पूरे करने हैं, बहुत सारी अधूरी समस्याओं को पूरा करना है। अन्नदाताओं को जो उनका हक था वो दिलाना, अभी आपको दिल्ली की सरकार ने एक जो नियम लाया भूमि वाला, वो बहुत बड़ा किसानों को बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। गरीबों को खाद्यान्न जो बिल आया है वो बहुत बड़ी फायदा देने वाला है।
पर मैं मानता हूं कि मैं सेवा करूंगा, चुनाव जीतूंगा, जितने भी सांवेर के अधूरे काम है वो मेरी प्रार्थना के साथ उनको पूरा करना है। सिटी बस एक नर्मदा का आपने देखा है, मैंने कई गांवों को नर्मदा सिपरा लिंक योजना थी उसको जुड़वाया है और जो कई गांव थोड़े बहुत छूट गए उनको जुड़वाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास आपको मालूम था, जब मैं चुनाव जीता तो मेरा नारा था नर्मदा मैया सांवेर चलो, वो सपना मुझे पूरा करना है। जब वो सपना तब पूरा होगा कि उस नर्मदा मैया का जल का अन्नदाता ग्रहण करे, उनके खेत में जाए और हमारे अपने शरीर में भी हम उस जल का, उस नर्मदा माँ का जल ग्रहण करें, ये सबसे बड़ा संकल्प मेरा पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, मंजूर होने के बाद भी नर्मदा मैया सांवेर में आए, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस में तमाम समीकरण बदले हैं, जिस तरह से कमलनाथ जी को सभी समितियों का समन्वयक बनाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है, भूरिया जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे, ये जो तमाम कमेटियां बनी हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा और क्या गुटबाजी से उबर पाएगी कांग्रेस पार्टी जो लगातार अलग अलग गुटों में कहीं ना कहीं बिखरने में नजर आ रही है? आप जानते हैं जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के साथ जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बागडोर संभाली है, उन्होंने प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबको एक सूत्र में बांधा जाए। आप जानते हैं मैं आप जो कह रहा हूँ कि अभी आपने मुरैना की रैली देखी, मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक हुई और पूरे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सारा गुट एक है, एक लक्ष्य है उनका 2013, एक संकल्प है 2013, क्योंकि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को 10 वर्षों में जो इन्होंने प्रताड़ित किया है इससे उभारना। आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? नहीं, नहीं, ये भी जानना चाहती है, लगातार आपने सरकार में भी दायित्व निभाया। नहीं, नहीं, अभी आप जानते हैं, पहले आपने जो बोला उसका जवाब दे दूं मैं कि जिस प्रकार से आपने कमलनाथ जी की बात की, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, वो जिम्मेदारी जो उन्होंने को समन्वय की दी है, मैं सोचता हूँ कि उससे अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। और जो एक प्रचार जो आपने ज्योतिराज सिंधिया जी को जिम्मेदारी दी, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है, भूरिया जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर ही रहे। जब भी सारे चाहे हमारे प्रतिपक्षी नेता राहुल अजय सिंह जी हों, सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिली है, ये सब उसी का नतीजा है कि एक सूत्र में बने हैं। और जब एक सूत्र में एक शक्ति के साथ जब इस भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, मैं सोचता हूँ परिवर्तन जरूर आएगा। और हमारा भी लक्ष्य है कि परिवर्तन हो, 2013 में हमारे सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हमारा जो राष्ट्रपिता गांधी जी का सपना था वो पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। हम व्यक्ति के जो अंतिम व्यक्ति का विकास प्रगति जो रुका है, जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, हमारे अपने SC ST के लोगों के साथ अन्याय हुआ, हमारी मातृशक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, जो कि ये एक बेटी की बात करते हैं पर सबसे ज़्यादा दुख की बात पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में हमारे बेटियों के साथ ये अत्याचार हुआ है। आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या होगा? मेरा लक्ष्य सबसे पहले चुनाव जीत। बहरहाल यहाँ पर ये विधायक तुलसी सिलावट जी थे जो जिन्होंने सीधी बात कही और सिटी न्यूज की अदालत में तमाम तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं और जनता को जिन सवालों पर जवाब की जरूरत थी वो उन्हें यहाँ पर सीधे विधायक जी के श्रीमुख से मिले हैं। सिटी न्यूज की अदालत में आप हाजिर हुए, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज की अदालत में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ज्यादातर इन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।